वे कितना क्यूट सा है ना वो। मैं भी तो क्यूट हूँ। तू भी क्यूट है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विजय चमोला, अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से। और सुबह का वक्त है और हमारे यहाँ का मौसम है कुछ यूं, तो चलते हैं ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो सुबह बेबी खाना भी दिया इसको। खाना क्या क्या खाते हैं? खेला तो इनके साथ बेबी तो पकड़ा जा ही नहीं रहा तेरे से। फिर आ गया था वो, फिर गया बेबी लेके। अब खेलते खेलते लग चुकी है बेबी को प्यास। और क्या चाहिए? पानी। ठंडा ठंडा पानी मत पियो ना, गरम। उसको ला इधर। ठंडा वो भी है, गरम है। हाँ तो मैं जल जाएगा मेरे मुंह। आजकल ना ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है? इस पे ठंडा, इस पे गर्म पानी है। फिर मेरे मुंह जल जाएगा। नहीं जल। क्या गाना गाओ तो? अब जो ये वो गिर जाएगा, वो मर जाएगा। हाँ गिरेगा तो। वे कितना क्यूट सा है ना वो। मैं भी तो क्यूट हूँ। तू भी क्यूट है। मैं नीचे झुक गया सब जगह। हाँ तो तब ये भी तो झुक रहे। अच्छा चलो चलो मेरे बच्चे। अरे ना 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 ना, अब रुक जाना। बेबी ये तेरे क्या है? दोस्त। तो अभी बेबी खेल रहा खरगोश से और बाहर पे है सुल्तान। तो मम्मी रख रही है अंदर खरगोश को और बेबी और मम्मी की होगी अभी लड़ाई। अभी देखो लड़ाई होती है दोनों की। कुत्ता उस पे रख, चल उस पे रखो बेटा। कुत्ता फिर से पकड़ेगा। ये भी है यार, ये है यहाँ पर, यहीं पे खोल के रख दे, यहीं पे खोल के, ठीक है? दूसरा वाला उधर चलेगा, दोनों वहीं पर। बंद रखो, इतने दिमाग पागल तू तो। ऐसे क्यों कर रहे थे? वो कुत्ता नहीं काटना चाहिए और झुलिए गया तो मन नहीं जाएगा। तू ये देख ले, वो पानी गिरा दे पानी अभी। अरे मैं करता हूँ साफ, रुको, पानी साफ हो जाएगा। पगलाया नहीं, वहाँ मत ले जाना। नहीं पानी 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 पीते हैं, इसको बंद कर। किसका है सुल्तान? मेरा सुल्तान, मेरा है। ये देखो मेरे साथ खेल रहा सुल्तान। तो फ्रेंड्स सुबह का वक्त हो गया है और ये बेबी का सुल्तान है, ये बेबी का सुल्तान है ना। मेरे तो छोटे है, छोटे इधर आ, छोटे अगर नहीं छोटे तो बाहर एकदम मौसम हो चुका है खराब। और ये है बेबी इधर से और ये सुल्तान मुझे बहुत अच्छा मानता है तो सुल्तान मेरे साथ खेल रहा है।
तेरे साथ भी खेलता हूँ। मुझे तो बैठा लो। हैं? मुझे तो बैठा लो। बैठो बैठो। गिरा दिया? हाँ गिरा देगा, छोटे बैठो। छोटे नहीं गिराता? ना छोटे नहीं गिराता, वो देखो। और बेबी बैठ चुका है। अरे ये तो मेरा छोटू है। हाँ तो देखो बेबी बैठ चुका है छोटे के ऊपर। अरे ये देखो कैसा फील हो रहा है? अच्छा अच्छा। और ये है छोटे और ओए, और ये देखो सुल्तान ने मुझे पकड़ दिया है कि इसका वीडियो क्यों बना रहे हो? तेरे को भी करना है क्या? भाई क्या कर रहा? अच्छा। ये है हमारा छोटे नहीं ये। अच्छा छोटे बेबी का छोटे ये मोटे, ये हमारे छोटे ही है हमारे मोटे। ये छोटे है और क्या है? सभी तरह के वो कर दिया आपने, मिक्स हो गया ना, मजा आ रहा है इसको देखने। फूल भी आ गया, खाना भी आ गया, उसका होली का भी आ गया, सब चीज मामा को सुनाया भी दिखा दिया। अच्छा ये ठीक है ना? मैं इसी को क्या निकला अंदर डायरी क्या कर रहा तू? बेबी खाता है सुबह सुबह, दिखाओ तो क्या है उस पर आगे पे क्या लिखा हुआ बताओ। ऐसे दिखाओ ऐसे, ये इधर है, ये क्या लिखा हुआ है इस पे बेबी दिखा ले, ऐसे दिखा। एम्पलॉयन ओके ऑरेंज। हाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? टी फोर बोल। टी फोर गिर गया। टी फोर क्या होता है? हाँ साफ कर दो। तो हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं इस समय अपने ऑफिस में और ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। तो देखेंगे कि आज स्कूल में भी क्या होता है। तो अभी लाइट का स्विच ऑन किया और सीधे दिखाई दिया अखबार। तो अखबार में भी आजकल चुनावी गतिविधियां बहुत तेज गति से है और अभी केदारनाथ में हम हैं तो यहां के टिकट अभी फाइनल नहीं हुए हैं। तो देखेंगे वो भी कि किसका टिकट फाइनल होगा और दिखाऊंगा मैं आपको कैंपेनिंग भी और कैसा कैसा बीतता है। तो ब्लॉक भी करते हैं कंटिन्यू, तो चलते हैं ब्लॉक के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, इस समय वक्त हो गया है 12 और हम हैं पिंकू भाई की शॉप में, बेस्ट स्पोर्ट्स वेयर में है और ये हैं पिंकू भाई और आज बनाएंगे एक ट्रक सूट ब्लू कलर का। ठंड लग रही है सुबह सुबह वॉक में, आपने देखा होगा बिस्ट जी का बनाया हुआ हमने ट्रक सूट पहना था जो परसों का ब्लॉग पड़ा था। और ये है छोटा बला जो कि इस समय बना रहा है ट्रक सूट को, तो पहन के भी बताएंगे कि कैसा लगता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बस तो सर, तो चलते हैं ब्लॉग पे। अभी ब्लॉग पे बहुत कुछ नया दिखाई देगा थोड़ी देर बाद, तो आइएगा ब्लॉग पे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये दिख रही है नई टिकटॉक वाली एकदम ट्यूबलाइट है और इसमें स्टैंड भी है इधर पे आपका, अगर आप देख पाएंगे ये इसका स्टैंड लगा हुआ है और यहां से बनेगा वीडियो। तो ये खरीदना भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि स्टैंड चाहिए और लाइटिंग कम होती थी, तो इसलिए इसको भी खरीदना पड़ा। तो आज खरीदा हमने एक स्टैंड और दिखाएंगे कि अपने वीडियो में कि कैसे ये चलता है। और ये एडोप्टर है इसका और एडोप्टर पे लगेगा और बहुत सारी लाइटें भी देखने को मिलेंगी आपको। तो अगर आपको भी खरीदना होगा तो इधर देखिए, ये हैं एडी कम्युनिकेशन संजू भाई, तो संजू भाई के यहाँ मिलेगा आपको और काफी बढ़िया है। मैं बहुत जगह ढूंढ रहा था लेकिन संजू भाई के यहाँ मिला मुझे और देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो इसके लिए चलाना पड़ेगा इसको और संजू भाई को जाना पड़ेगा एडोप्टर लेने के लिए। तो अभी आएगा पार्सल भी और उनका मेरे को फोन आया था, मैंने मंगाई है लाइटिंग ऐसी ही, तो देखते हैं वो भी कैसी लाइटिंग होती है। और आ गया है पार्सल, तो ये मिला पार्सल। कितने को बुलाई? ये 1399। 1399
ये आया ब्लू डार्ट से सामान, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग्स एंड सीलिंग स्प्रे। थैंक यू सर। तो हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू और इस समय मैं हूं, ये सामने दिखाई दे रहा है विकास भवन, दूरी 2 किलोमीटर, और इधर मेरे ठीक ये लेफ्ट हैंड साइड है रुद्रप्रयाग का पूरा मार्केट और इधर की ओर है कोटेश्वर। तो अभी मैं आपको कोटेश्वर का गेट भी दिखाऊंगा और हो सकेगा तो मैं आपको कोटेश्वर भी दिखाऊंगा कि कैसा लगता है महादेव, और हो सकता है कि कोटेश्वर महादेव के दर्शन भी हों। तो ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू और मैं हूं इस समय ठीक जो विकास भवन जाने का रास्ता है उस पे रुद्रप्रयाग में। तो आज का पूरा दिन काफी स्पेशल है और ब्लॉग काफी अल्टीमेट होगा, तो आप ब्लॉग पर यूं ही बने रहिएगा। और मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं ठीक कोटेश्वर महादेव के रास्ते में और ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं हम कोटेश्वर महादेव के मंदिर की ओर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसके भी आपको दर्शन कराऊंगा, तो वो उसके भी आपको दर्शन होंगे। तो यहाँ का जो रास्ता दिखाई दे रहा है बिल्कुल ही देखिए आप, जो रास्ता है उसमें पत्थर भी लग चुका है बहुत बढ़िया सा, और आपको दिखाई दे रहा होगा जो महादेव हैं ये रुद्रप्रयाग के पास स्थित जो जगह है वहां पे कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, और ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको वट वृक्ष और बैठने के लिए भी काफी सुंदर से स्थान है यहाँ। और ठीक आप अगर पीछे ऐसे देख पा रहे होंगे तो काफी अच्छा सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। तो समय कम है और जो मेरे साथ बड़े भाई हैं मेरे, वो भी जिस समय उनका कॉल आ जाएगा तो मैं उस समय उधर की ओर चले जाऊंगा। तो जब तक मेरे पास समय है तब तक मैं जो है आपको दिखाऊंगा कि कैसा व्यू दिखाई देता है कोटेश्वर।